ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 29 जुलाई की शुभदान की रिकॉर्डिंग। और आज यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा वेदर, बहुत तेज़ बारिश, मज़ा आ गया है। गर्मियाँ कम हो रही हैं और बारिशें आगे बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन से बादल ही बादल। सो राइट टाइम पर हम पहुँचे हैं, थैंक्स टू 5 एलिमेंट्स, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल द सोल्स हु हेल्प मी आउट टू रीच ओवर ऑन टाइम एंड द राइट मोमेंट। सो परमपिता परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, देखें इसको। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा, अगर हमें स्मृति रहती है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, तो जाकर के हमारा मन बुद्धि एकाग्र रहता है। तो श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव, हैप्पीनेस, सुख स्थिति का आधार स्मृति है। अगर हमें ये सारा ड्रामा याद रहेगा कि सारी दुनिया कैसे रची गई है, परमात्मा ने सारा खुलासा कर दिया है, कलयुग में आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, हमें पहले से ही पता चल गया है कि दुनिया में क्या क्या बीमारियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या वॉर्स, क्या क्या होने वाला है, तो हम उसको पहले से ही अपने अंदर समा चुके हैं इस ज्ञान को, जिस कारण से हमें किसी चीज़ की कोई क्यों हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ों के प्रश्न उत्तर नहीं उठते हैं। ये तो हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी, इसमें सारा खुलासा पहले हो जाता है। इसको कहते हैं रेवलेशंस। तो ब्रह्म कहते हैं स्थिति का आधार है स्मृति। अगर रेवलेशन जो परमात्मा ने कर दिए हैं, अगर आपको वो याद रहेंगे तो आपकी स्थिति डगमग नहीं होगी, नथिंग नहीं होगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिचुएशन, हाँ ये तो होनी थी, ये अच्छी बीमारी, हाँ ये आनी थी, अच्छे पैसे का प्रॉब्लम, हाँ ये होना ही था, रिलेशनशिप्स के इश्यूज, हाँ अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, याद रखो ये सारे पॉइंट्स को जो परमात्मा ने सिखाए हमें। तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। तो जैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अगर याद रहेगा तो मन एकाग्र रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, घृणा निर्वृत्त ईर्ष्या नहीं आएगी। अगर वो सारे के सारे परमात्मा के दिए हुए अमूल्य रत्न याद रहे तो ज्ञान के पॉइंट्स। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, क्योंकि हम आत्माएं हैं जो कि ये चारों तरफ अगर हम देखें तो पदार्थों से, वस्तुओं से घिरे हुए हैं और इस शरीर से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर मेरा इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मेरा मेरे गुणों से, मेरी शक्तियों से, मेरे अंदर के जो ट्रेजर्स हैं, जो अंदर के खजाने, उनसे अगर मेरा सारा मतलब है, तो मैं एक पराभौतिक शक्ति हूँ और ये भौतिकता तो बस कुछ क्षण के लिए है, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तो ये चारों तरफ मेरे जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं खुशी की बन जाएगी, और खुशी की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी, दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, क्योंकि घोर कलयुग बनना ही है, एक्सट्रीम डिग्रेडेडनेस होनी ही है, आत्माओं की बुद्धि, मन बुद्धि और भ्रष्ट होनी ही है। कुछ लोगों की हो रही है शुद्ध और मेजोरिटी की हो रही है भ्रष्ट, 95% लोगों की हो रही है भ्रष्ट, 5% लोगों की हो रही है शुद्ध। अब अति में जाना है, अति में जाएंगे तभी तो अंत होता है ना, तो कलयुग का अंत कैसे होगा जब अति में जाएंगे तो। लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। हमें जब पता है ये सारी चीज़ें होनी है, हमसे पहले प्रिपेयर्ड है। मैं प्रिपेयर्ड मतलब ये नहीं कि आप धन संपत्ति कमा के करोड़ करोड़ लेकर के आप बैंक में बैठे हो, या अनाज संपत्ति सब कुछ लेकर के आप स्टोर करके रखे हो ताकि आप एंड ऑफ डेज के लिए तैयार हो गए हो, वो बात नहीं हुई है। हम भौतिक चीज़ों से डिटैच होकर के भी हम सुखी और खुश रह सकते हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में आती हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। जो कुछ भी होता रहे चारों तरफ, आपको पता है ऑलरेडी परमात्मा ने खुलासा कर दिया है, चाहे वो कोई भी वॉर हो रही हो, चाहे कोई भी चीज़ हो रही है, हाँ ये अच्छा ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये तो है, पता है ये सारी चीज़ें होनी है कलयुग में, तो लोग अहंकार में, क्रोध में आ रहे हैं, तो और ये चीज़ें और होनी ही हैं। तो इसलिए हम मौज में रहें। मौज में रहने का मतलब ये नहीं कि उनके लिए हम प्रे नहीं करें, उनके लिए शांति के लिए प्रे ना करें, उनके लिए खुशी के लिए प्रे ना करें, उनके लिए सुख के लिए प्रे ना करें, उनके जो दुख दर्द हो रहे हैं उसके लिए हम बिल्कुल ही डिटैच हो जाएं, वो डिटैच उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन हम उन चीज़ों से डिटैच, हम अपनी फीलिंग्स को एकाग्र रखें, तभी जा करके हम औरों की फीलिंग्स को हम बिल्कुल ही स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। अगर एक व्यक्ति भी अगर स्टेबलाइज हो जाए तो पूरा का पूरा घर स्टेबलाइज हो सकता है इस कारण से। तो ये ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।